नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सात ऐसे दानवों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनको दुनिया भर के लोग अपने कैमरे में कैद कर चुके हैं। लोगों का मानना है कि यह सिर्फ किताबों और मूवी में ही मौजूद है, ना हमारे वास्तविक जीवन से कोई नाता नहीं। इस वीडियो को देख कर आपको इन पर विश्वास हो जाएगा, तो चलो शुरू करते हैं। पांचवें नंबर पर है कापा। कापा एक पानी में रहने वाला प्राचीन दानव है जिसके सिर पर एक छेद होता है जिसमें कापा पानी जमा कर रखता है जिससे उससे बहुत सारी शक्तियां मिलती थी। कापा बहुत ही खतरनाक था जो कि बच्चों को पानी में डुबा के मार डालता था। चौथे नंबर पर है कोका ट्राइस। इस दानव को देखकर ही पता चलता है कि इसका आधा शरीर डायनासोर का और आधा मुर्गी का था। प्राचीन कथाओं से यह पता चलता है कि इसके मुंह से हमेशा जहरीली हवा निकलती थी जिसकी मदद से वह अपने दुश्मनों को बड़ी आसानी से मार डालता था। तीसरे नंबर पर है एस्वा। इंसानों की तरह दिखाई देने वाला यह प्राचीन दानव बड़ी आसानी से जानवरों में रूपांतरित होने में सक्षम था। यह प्राचीन दानव ज्यादातर रात में घूमने वाली गर्भवती महिलाओं को अपना शिकार बनाता था। दूसरे नंबर पर है इचिडना। इचिडना यह मांस खाने वाली बहुत ही खतरनाक प्राचीन दानव थी जिसे दानवों की मां के रूप में पहचाना जाता है। इचिडना का आधा शरीर इंसान का था और आधा शरीर सांप का जिसके सिर पर बालों की जगह बहुत सारे जहरीले सांप थे जो कि दिखने में बहुत ही खतरनाक लगती थी। पहले नंबर पर है सायरन हेड। सायरन हेड के बारे में तो आपने बहुत ही सुना होगा जो कि दुनिया के सबसे खतरनाक दानवों में से एक था जो कि लगभग 40 फीट ऊंचा था। इसका सर एक स्पीकर की तरह था जिसकी वजह से लोगों ने इसे सायरन हेड का नाम दिया।